दोस्तों, क्या आप भी अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में ब्राउजिंग करते हो? तो आप बोलोगे, अरे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में ब्राउजिंग कौन नहीं करता है। मगर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको ब्राउजिंग से जुड़े कुछ शॉर्टकट की पता है, तो आप बोलोगे, वेल हमें तो नहीं पता, तो डोंट वरी। आज मैं इस वीडियो में आपको ब्राउजिंग से जुड़े ऐसे ही कुछ शॉर्टकट की बताने जा रहा हूँ, जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। आपको इन सभी शॉर्टकट की को जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल नॉलेज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो शॉर्टकट की आता है वो है कंट्रोल प्लस क्लिक। इसका यूज तब होता है जब आप अपने ब्राउजर में कुछ सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे वेबसाइट को ओपन करना रहता है। तो इन वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको सिंपली अपने कीबोर्ड में कंट्रोल, फिर उसके बाद आपको जिस भी वेबसाइट को ओपन करना है उस पर सिंपली क्लिक करना होगा, उसके बाद वह ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है वो है कंट्रोल प्लस, उसके बाद प्लस और माइनस की कीज। आपके ब्राउजर में जो भी टैब ओपन है उसे जूम इन या फिर जूम आउट करने के लिए होता है। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड में कंट्रोल, उसके बाद प्लस या फिर माइनस के की को प्रेस करता हूँ, तो देखिए जब मैं प्लस का की प्रेस करता हूँ तो यह जूम होता है, और माइनस का की प्रेस करता हूँ तो यह जूम आउट हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है वो है कंट्रोल प्लस आर। दोस्तों, इसका यूज़ तब होता है जब आपको अपने ब्राउज़र में जो भी टैब ओपन है उसे रिफ्रेश या फिर रिलोड करने के लिए इसका यूज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है वो है कंट्रोल प्लस टैब। इसकी मदद से आप अपने ब्राउज़र में जो भी ऐप टैब ओपन है उसे बारी बारी ओपन करने के लिए इसका यूज़ होता है। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है वो है कंट्रोल प्लस ऐप। इसकी मदद से आपके ब्राउज़र में जो भी वेबसाइट ओपन है, अगर आपको इसमें कुछ वर्ड को सर्च करना है तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में सिंपल सा कंट्रोल प्लस ऐप का बटन प्रेस करना होगा। इसके बाद आपके यहाँ पर एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें आपको जो भी टाइप करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कंप्यूटर टाइप करता हूँ, तो यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर वर्ड हैं वह इन सभी को हाईलाइट कर देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है वो है कंट्रोल प्लस एन। जब आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते हो तो आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में एक नया ब्राउज़र ओपन हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है वो है कंट्रोल प्लस टी। दोस्तों, इसका यूज तब होता है जब आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के ब्राउज़र, जो भी ब्राउज़र ओपन है उसमें न्यू टैब को ओपन करना होता है। जब आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस टी ओ प्रेस करते हैं तो आपके ब्राउज़र में एक नया टैब ओपन हो जाता है। इसके बाद जो अगला शॉर्टकट की आता है वो है कंट्रोल प्लस इंटर। दोस्तों, इसका यूज तब होता है जब आप कुछ URL टाइप करते हो और आप उसमें .com लगाते हो, तब आप जब अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली यह उसमें .com लगा देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जीमेल टाइप करता हूँ, और अगर मैं अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करता हूँ तो इसमें ऑटोमेटिकली www.com लग गया है और यह ओपन हो गया है। दोस्तों, इसके बाद जो अगला शॉर्टकट की आता है वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट। दोस्तों, इसका यूज़ तब होता है जब आप अपने ब्राउज़र के डाटा या फिर हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हो। जब आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन प्रेस करते हो तो यहाँ पर सेटिंग खुल जाता है। उसके बाद आपको सिंपली क्लियर डाटा पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपके ब्राउज़र में जितने भी हिस्ट्री था वो सभी को यह
डिलीट कर देता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे इस YouTube चैनल टेक्निकल नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करना।